हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें मैं आपको राइट्स और रूट्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के 12 राइट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट, जो ड्रग आप एडमिनिस्टर करने जा रहे हो वो किस पेशेंट को देनी है। सेकेंड राइट है आपका राइट ड्रग, जिस भी पेशेंट को आपको मेडिसिन देनी है वो आपको चेक करना है, उसकी ड्रग की एक्सपायरी चेक करनी है और ड्रग का नेम चेक करना है, उसका केमिकल नेम चेक करना है जब आपको ड्रग एडमिनिस्टर करना है। थर्ड ड्रग है आपका राइट रूट, जो भी आप ड्रग देने जा रहे हो उसका क्या रूट है, IM है, IV है, सबक्यूटेनियस, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है आप उस रूट से मेडिसिन दे दोगे। फोर्थ राइट है आपका राइट डोज, जो भी हमें फिजिशियन ने डोज प्रिस्क्राइब करी है हमें उसी अमाउंट में पेशेंट को डोज देनी है। फिफ्थ राइट है हमारा राइट टाइम, जो भी आप मेडिसिन दे रहे हो उसका एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है डॉक्टर ने कि कब वो ड्रग एडमिनिस्टर करना है, जैसे कुछ सुबह जाती हैं, बिफोर मील जाती है, आफ्टर मील जाती है, नाइट में ही पर्टिकुलर वो मेडिसिन दी जाती है, तो आपको राइट टाइम चेक करना है। सिक्स राइट है हमारा राइट फ्रिक्वेंसी, कुछ डोज हमारी ऐसी होती हैं जो उसकी फ्रिक्वेंसी बताती है, जैसे वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, तीन बार लेनी है या दो बार लेनी है या एक बार लेनी है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपको चेक करनी है। सेवन्थ राइट है आपका राइट प्रिस्क्रिप्शन, अगर फिजिशियन ने उस प्रिस्क्रिप्शन पर कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स दिए हैं तो आपको ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले राइट प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है। नेक्स्ट है हमारा राइट डॉक्यूमेंटेशन, ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद आपको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करनी है। नेक्स्ट है हमारा राइट असेसमेंट, पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद आपको असेसमेंट करना है, चेक करना है और फिर नोटिफाई करके डॉक्यूमेंटेशन करना है। उसके बाद आता है हमारा राइट एजुकेशन, जब आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया है ड्रग तो आप पेशेंट को राइट एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट इवेल्युएशन, अगर कोई भी फाइंडिंग्स हैं आपको दिख रहा है कि हाँ पहले क्या इम्प्रूवमेंट्स थे अब क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई है, तो आपको इवेल्युएट भी करना है। लास्ट हमारा राइट है राइट टू रिफ्यूज़, अगर कोई पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके दो टाइप्स होते हैं, एंट्रल रूट एंड सेकंड है पेरेंटल रूट। एंट्रल रूट हम एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं ड्रग्स को, और सेकंड है हमारा पेरेंटल रूट, जैसे कि अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ सम सिरिंजेस और नीडल्स, जैसे IV, IM, सबक्यूटेनियस के थ्रू अगर हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सिरिंजेस, हमारे पास 0.5 ml टू 50 ml की सिरिंजेस अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट कम टू पार्ट्स ऑफ सिरिंजेस, सिरिंजेस के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ प्लंजर, जिसको पिस्टन के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड पार्ट है हमारा बैरल और थर्ड पार्ट है टिप, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं टिप, बैरल एंड प्लंजर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि निडल्स के कौन से पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं इसके भी, हब, शाफ्ट एंड बेवल। फर्स्ट पार्ट है हमारा हब, मिडल पार्ट है हमारा शाफ्ट, और जहाँ से हम ड्रग को फिल करते हैं उस पार्ट को कहते हैं बेवल, और यही हमारा गेज साइज़ को डिसाइड करते हैं। काफ़ी सारी निडल्स होती हैं अलग अलग गेज साइज़ की, उसकी हम बाद में बात करेंगे, तो उस पार्ट को हम बेवल बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैनुला की, अब मैं आपको कैनुला के साइजेस और उसके कलर बताऊंगी। जैसा कि पहला आप देख सकते हो कि ऑरेंज कलर का कैनुला हमारा 14 गेज का होता है, ग्रे कलर का 16 गेज का, वाइट कलर का 17 गेज का, और ग्रीन हमारा 18 गेज का, पिंक कलर का हमारा 20 गेज का, और ब्लू कलर का हमारा 22 गेज का, येलो कलर 24 गेज इंडिकेट करता है, और लास्ट है हमारा 26 केस का जो वायलेट कलर का होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी IV रूट, अगर एग्ज़ाम में नोरसेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निडल की क्या साइजेस होते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये 1.5 इंच से 2 इंच तक अवेलेबल होते हैं, और गेज साइज़ पूछें तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है, इसका एंगल होता है 25 to 30 degree। नेक्स्ट आपको एक नोट डाल के हेडिंग लिखने हैं, जो भी फास्ट एक्टिंग रूट्स होते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम इन्हेलेशन रूट को देंगे, तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इन्हेलेशन रूट को, सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं सबलिंगुअल, जो टंग के नीचे हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, और थर्ड प्रायोरिटी हमारी जाती है IV लाइन। तो फास्ट एक्टिंग रूट सबसे पहले कौन सा है, इन्हेलेशन का, और थर्ड प्रायोरिटी में हम किसको डाल देंगे, IV रूट को। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ इन्हेलेशन ड्रग का, सालब्यूटामोल। सो IV रूट इज़ एमरजेंसी रूट बट इट इज़ नॉट फास्ट एक्टिंग रूट, तो आपको पता लग गया IV रूट ज़रूर एमरजेंसी रूट हो सकता है लेकिन फास्ट एक्टिंग रूट नहीं होता। फास्ट एक्टिंग रूट कौन सा होता है हमारा, इन्हेलेशन रूट। नीचे नोट डाल के लिख लीजिए, IV रूट ऑल्सो नोन एज बोलस रूट एंड ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी रूट, तो IV रूट को इन नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है हमारा साइट ऑफ आईवी इंजेक्शंस। आईवी इंजेक्शंस की कौन कौन सी साइट होती है, मेनली दो साइट होती है, या तो आप वन टाइम वेन पंक्चर के थ्रू आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए अगर मेडिकेशन जा रही है तो आप कैनुलाइज भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी नॉर्सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वेन पंक्चर और ब्लड सैंपल लेने के लिए हम कौन सी वेन को सिलेक्ट करते हैं, तो आंसर है मीडियल क्यूबिटल वेन को हम ब्लड सैंपल और वेन पंक्चर के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब मैं बात करती हूँ रेडियल वेन की, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईवी कैनुलाइजेशन है और मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशन इन एडल्ट्स है। और भी अदर वेन्स हैं लाइक सिफिलिस वेन, बेसिलिक वेन, डोर्सल वेन, सेफनस वेन एंड डोर्सल मेटाकार्पल वेन। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी, पेन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, फ्लेबाइटस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटस। अब मैं आपको इंट्राडर्मल और सब्यूटेनियस के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। फर्स्ट वन इज़ अगर हम इंट्राडर्मल की बात करते हैं तो इसमें नीडल लेंथ हमारी कितनी होती है 3x8 to 5x8, और वहीं सब्यूटेनियस की क्या लेंथ होती है 5x8। गेज साइज इसमें 26 होता है इंट्राडर्मल में, और सब्यूटेनियस की बात करते हैं तो 25 गेज होता है। फिर हम कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ले सकते हैं इंट्राडर्मल में 1 ml, और वहीं सब्यूटेनियस में 1 to 2 ml आप ले सकते हो। इंट्राडर्मल 15 डिग्री के एंगल पर एडमिनिस्टर होता है और सब्यूटेनियस हमारा 45 टू 90 डिग्री के एंगल पर लगता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ इंट्राडर्मल एंड सब्यूटेनियस कितना होता है 5 मिनट्स, और अगर हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ आईवी तो वो कितना होता है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तक हमें आईवी का इफ़ेक्ट दिखने लग जाता है, और इंट्राडर्मल और सब्यूटेनियस का कितना मिनट लगता है 5 मिनट्स का। अगर हम बात करते हैं इंट्राडर्मल की साइट तो ये मोस्ट कॉमनली AST के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप कोई एंटीबायोटिक दे रहे हो तो AST परफॉर्म करते हैं तो हम इंट्राडर्मल साइट हम चूज़ करते हैं। और सब्यूटेनियस के लिए हम इंसुलिन वगैरह जब एडमिनिस्टर करते हैं लाइक एब्डोमेन में बिटवीन इलियक क्रेस्ट टू बिलो निप्पल एक्सेप्ट अम्ब्लाइकल एरिया। अगर मैं इंट्राडर्मल की मोस्ट कॉमन साइट पूछूं, वैसे तो बहुत सारी साइट होती है लेकिन मोस्ट कॉमनली हम कौन सी साइट पर AST करते हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ इनर साइट ऑफ फोरआर्म। ठीक है, अदर साइट्स कौन सी होती हैं इंट्राडर्मल की, आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ चेस्ट। वहीं पर सब्क्यूटेनियस की कौन कौन सी अदर साइट्स होती हैं, आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। इंट्राडर्मल का एग्जांपल है ट्यूबरकल, और सब्क्यूटेनियस का एग्जांपल आप लिख सकते हो इंसुलिन सिरिंज का। इसी के साथ हमारा इंट्रावेनियस रूट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट कम टू इंट्रामस्कुलर रूट, इसमें हम नीडल लेंथ लेते हैं 1 to 1.5 inch तक, और गेज साइज़ हमारा होता है 22। एंगल किस एंगल पर लगेगा, ये 90 डिग्री के एंगल पर, और कितनी क्वांटिटी में हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं 3 to 5 ml। अगर मैं IM इंजेक्शन की साइट की बात करती हूँ तो मेनली 3 types होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डेल्टॉइड, सेकेंड इज़ वेस्टस लेटरलिस एंड थर्ड इज़ ग्लूटियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टॉइड की, इसकी साइट क्या है, आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, मेनली स्मॉल क्वांटिटी के लिए लाइक 1 to 2 ml अगर आपको इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है तो हम डेल्टोइड साइट को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर TT का इंजेक्शन आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो। नेक्स्ट साइट है हमारी वेस्टस लेटरलिस मीन्स इन फ्रंट्स ऑफ थाई, इसमें साइट क्या होती है, लेटरल आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ थाई, और कितनी क्वांटिटी हम लेंगे इसमें, मेनली 2 to 3 ml। नेक्स्ट एक नोट डालकर लिख लीजिए एक लाइन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ IM इंजेक्शन फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन इज वेस्टस लेटरलिस। नेक्स्ट कम टू थर्ड साइट ग्लूटियल, मेनली 2 types की होती है, फर्स्ट होती है हमारी डोर्सल ग्लूटियल और सेकेंड होती है हमारी वेंट्रोग्लूटियल। अगर हम हिप को 4 quadrants में डिवाइड कर लेते हैं तो जो आउटर वन है वो हमारा कौन सा है, अपर आउटर quadrant ऑफ हिप, जो मैंने आपको पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाया डॉट करके। नॉर्मली वी गिव इंजेक्शन इन डोर्सल ग्लूटियल मसल्स, अगर हमको डीप IM इंजेक्शन देना है तो हम वेंट्रोग्लूटियल मसल्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन में जब हम आयरन को हमें अगर एडमिनिस्टर करना है तो हम डीप IM में देंगे, और कौन से मेथड से देंगे, जेड ट्रैक मेथड से, टू प्रिवेंट फॉर बैक फ्लो एंड इरीटेशन। डीप मसल्स में नर्व एंडिंग्स हमारी बहुत कम होती है, इसीलिए वो इरीटेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम डीप मसल्स में एडमिनिस्टर करते हैं। अगर मैं स्किन की लेयर्स की बात करती हूँ, सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस, और लास्ट हमारे होते हैं मसल्स। उसके बाद होते हैं डोर्सल ग्लूटियल मसल्स, और डीप मसल्स होते हैं वेंट्रोग्लूटियल मसल। अगर हमको IRON एडमिनिस्टर करना है, डीप IM इंजेक्शन देना है, तो हम वेंट्रोग्लूटियल को सिलेक्ट करेंगे, और नॉर्मली इंजेक्शन देना है तो हम डोर्सल ग्लूटियल को
प्रेफर करते हैं। जेड ट्रैक मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आपको बोला जाए कि जेड ट्रैक से आपको ये पर्टिकुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपको मैंने ये लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाया है पेंसिल से, इसको देख सकते हैं, आपको स्किन को 2 से 3 सेंटीमीटर तक पुल करना है जहाँ तक मैंने निशान लगाया है, फिर आपको वहाँ पर इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर देना है और स्किन को छोड़ देना है। इसी ट्रैक को हम जेड ट्रैक मेथड बोलते हैं। अब एक नोट डाल के लिख लीजिए, सुपरफिशियल स्किन में मोर नर्व एंडिंग्स ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से ही इरिटेशन ज़्यादा होती है, और डीप मसल्स में नर्व एंडिंग्स काफ़ी कम होती हैं, इसीलिए लेस इरिटेशन होती है। इसी के साथ हमारा पेरेंट्रल रूट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कम टू एंट्रल रूट, जो ड्रग्स हम एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ओरल रूट। ये सबसे इजी रूट है ड्रग एडमिनिस्टर करने का और मोस्ट कॉमन रूट भी है। इसमें हम लार्ज डोजेस को जब एडमिनिस्टर करना होता है तब हम प्रेफर करते हैं, और इफ़ेक्ट्स कब शो होता है इसका, आफ्टर 30 to 60 मिनट्स। ओरल के दो टाइप्स होते हैं, सबलिंगुअल और बक्कल। सबलिंगुअल मीन्स होता है बिलो टंग हम मेडिसिन को प्लेस करते हैं, और बक्कल जब हम मेडिसिन को बिटवीन गम्स और चीक्स में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ओरल रूट के क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, फर्स्ट वन इज़ अनकॉन्शियस पेशेंट, जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट है हम उसमें ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। सेकंड है हमारा डिस्फेजिया कंडीशन, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, जब भी कोई पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलो करने में तब भी हम ओरल रूट से मेडिसिन को ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, और थर्ड है इन्फेंट्स को भी हम ड्रग नहीं देंगे ओरल रूट से। नेक्स्ट कम टू अदर रूट्स ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट है हमारा इंसर्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इन टू बॉडी कैविटी। इंसर्शन का मतलब होता है जब भी हम सॉलिड फॉर्म के ड्रग को किसी भी बॉडी कैविटी में प्लेस कर रहे हैं उसको हम इंसर्शन बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोजिटरी। सेकेंड है हमारा इंस्टीलेशन, सेम आएगा लेकिन बस सॉलिड फॉर्म की जगह किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म को हम बॉडी कैविटी में जब प्लेस कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई ड्रॉप्स को हम या ईयर ड्रॉप्स को एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो इंस्टीलेशन कहलाया जाता है। थर्ड है हमारा इंसफलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग इन टू बॉडी कैविटी। ठीक है, पाउडर फॉर्म है अगर ड्रग का और हम बॉडी कैविटी में प्लेस कर रहे हैं तो उसको इंसफलेशन बोला जाता है। फोर्थ है हमारा इम्प्लांटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इन टू बॉडी टिश्यू बाय इंसीजन। जब भी हम कट लगाकर सॉलिड फॉर्म की ड्रग को बॉडी टिश्यू में प्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्लेस करते हैं, तो उसको इम्प्लांटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्हीलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एज अ फ्यूम्स। ये सभी को पता है भाप के द्वारा हम जब ड्रग्स को लेते हैं उसको इन्हीलेशन कहा जाता है। लास्ट है हमारा इनक्शन, इट मीन्स टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जब भी हम ड्रग को टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऊपर वाले ही स्किन की लेयर पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको बोलते हैं इनक्शन। जैसे हम हेडेक होने पर झंडू बाम को अप्लाई करते हैं, तो वो क्या है हमारा इनक्शन टाइप। इसके बाद मैं आपको कुछ की पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है हमारा प्रायर साइट ऑफ वेन पंक्चर पूछा जाए, तो मैंने आपको बताया था मीडियल क्यूबाइटल वेन। नेक्स्ट है हमारा प्रायर साइट ऑफ वेन पंक्चर इन नियोनेट्स, देन इट इज स्काल्प वेन। थर्ड है हमारा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आईवी कैनुलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया था कौन सी वेन सिलेक्ट करते हैं हम, मेनली रेडियल वेन। देन नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एडल्ट्स, देन सेम रेडियल वेन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन नियोनेट्स, देन इट इज अम्बिलिकल वेन। एंड नेक्स्ट इज फास्ट एक्टिंग रूट हमारा कौन सा होता है, इन्हेलेशन। एंड स्लो एक्टिंग रूट पूछा जाए देन ओरल। लास्ट हमारा है की पॉइंट हाइपोडर्मिक रूट ऑल्सो नोन एज सबक्यूटेनियस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।